हेलो माय फ्रेंड्स, बनाना एक ऐसा मोस्ट पॉपुलर फ्रूट है जो सारे वर्ल्ड में खाया जाता है। इसे आप रिपन कंडीशन में खा सकते हैं, इसे कच्चा खा सकते हैं। अगर आप इसे रिपन खाते हो, मतलब पका हुआ खाते हो, तो इसके अंदर हमको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रुक्टोज मिल जाएगा, शुगर मिल जाएगी। और अगर आप नॉन रिपन खाते हो या कच्चा केला खाते हो, तो इसमें से आपको शुगर कम मिलेगी और साथ में बाकी के न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो बनाने के ढेर सारे बेनिफिट्स और कुछ नुकसान भी है। बनाने के बेनिफिट्स और नुकसान देखने से पहले हम इसकी कैलोरी और प्रोटीन की बात कर लेंगे। अगर एक हम मीडियम साइज का अगर बनाना लेते हैं, ऑलमोस्ट सपोज ये मीडियम साइज का हम अगर बनाना लेते हैं, तो इसके अंदर हमें ऑलमोस्ट कैलोरी के हम अगर हम बात करते हैं तो 105 के आसपास, मतलब 100 से लेकर 105 के आसपास हमें कैलोरी मिल सकती है। अगर हम केजी की हिसाब से काउंट करें, अगर हम 100 ग्राम का अगर बनाना लेते हो, तो इसमें हमें ऑलमोस्ट 80 से लेके 85 या 89 के आसपास, मतलब 80 से लेके 90 के आसपास हमें कैलोरी मिल सकती है। अगर हम इसके प्रोटीन की बात करें, अगर हम एक मीडियम साइज़ का ऑलमोस्ट 7-8 इंच का अगर बनाना लेते हैं, तो इसके अंदर हमें ऑलमोस्ट लगभग 1 ग्राम से लेके 1.3 के आसपास, मतलब 1.2 या 1.3 के आसपास हमें प्रोटीन मिल सकता है। और अगर हम 100 ग्राम का बनाना लेते हैं, तो इसके अंदर हमें ऑलमोस्ट नियर बाय 1 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन थोड़ा कम होता है, लेकिन कैलोरी आपको ज़्यादा मिलता है और साथ में आपको ढेर सारा पोटेशियम मिलता है। पोटेशियम हमारे अंदर के जो वाटर बैलेंस होता है या फ्लूइड बैलेंस होता है, इसको मेंटेन रखने का काम करता है, बैलेंस रखने का काम करता है। मसल का जो फोल्डिंग है या हमारे जो जॉइंट्स का जो फोल्डिंग है, इसको हेल्प करता है। और नर्व सिग्नल जो होता है, नर्व सिस्टम जो होता है, इसकी जो सिग्नल्स होता है, उसका सिग्नल्स का जो फंक्शन होता है, उसको बरकरार रखने के लिए या उसे एक्टिव रखने के लिए हेल्प करता है। तो अगर हम बनाना के बेनिफिट्स की बात करें, तो बनाना के अंदर हमें पोटेशियम प्लस मैग्नीशियम मिल जाता है। और मैग्नीशियम की वजह से हमारा जो तनाव होता है बॉडी के ऊपर होता है, ये कम हो जाता है। और साथ में हमारे जो बोन्स होते हैं, ये हेल्दी बन जाते हैं, हमारे बोन्स स्ट्रांग बन सकते हैं। तो पोटेशियम मैग्नीशियम बोन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अंदर हमें ढेर सारा स्टार्च मिल जाता है और ढेर सारा फाइबर मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जाके हमारा जो पाचन तंत्र है या हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसको इम्प्रूव करता है, इसे ठीक करता है। और बनाना हमारा जो स्ट्रेस लेवल है, इसको कम कर सकता है। जिनको डायरिया है, वो लोग भी बनाना खा सकते हैं। जिनको ब्लड की कमी है, वो लोग भी बनाना खा सकते हैं। और जिनको बीपी का प्रॉब्लम, मतलब जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ही हाई है, वो लोग मेंटेन करने के लिए बनाना खा सकते हैं। और बनाना से आप वेट गेन भी कर सकते हैं। तुम्हारा जो आइडियल वेट है, वहाँ तक अगर आपको पहुँचना है, तो आप बनाना खा के आपका वेट गेन कर सकते हो। और जिनको जो ऑलरेडी ओवर वेटेड है, वो लोग हो सके तो बनाना नहीं खाना, क्योंकि बनाना वेट गेन में ज़्यादा यूज़फुल है, वेट लॉस के लिए यूज़फुल नहीं है। और अगर हम बनाने के नुकसान की बात करें, केले के नुकसान की बात करें, अगर आप अनलिमिटेड केला खाते हो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आते हैं। सबसे मेन होता है आपका ओवरवेट हो सकता है, आप ओवरवेट हो सकते हो, आपका वेट बढ़ सकता है, वजन बढ़ सकता है। और बनाने के अंदर हमें ढेर सारा पोटेशियम मिल जाता है, मैग्नीशियम मिल जाता है, थोड़ा बहुत कैल्शियम मिलता है और प्रोटीन मिलता है, लेकिन प्रोटीन बहुत कम होता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बनाना खाते हो, तो आपके जो मसल्स है, ये वीक हो सकते हैं। अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में और प्रॉपरली इंटेक में अगर आप बनाना खाते हो, तो डेफिनेटली आपके जो मसल्स है और बोन है, ये हेल्दी हो सकते हैं, स्ट्रांग हो सकते हैं, आप मसल गेन कर सकते हो। लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाते हो, तो लेस प्रोटीन के कारण और हाई कैलोरीज के कारण आपका जो मसल है, ये वीक हो सकता है, स्ट्रांग नहीं बन सकता है। और बनाने के अंदर फ्रुक्टोज होता है, मतलब शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है। अगर आप ज़्यादा अनलिमिटेड अगर बनाना खाते हो, रिपन बनाना खाते हो, तो डेफिनेटली आपका डायबिटिक लेवल जो है, शुगर लेवल है, ये कम ज़्यादा हो सकता है, आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ सकता है और कहीं ना कहीं जाके आपको ग्लूकोज रिलेटेड इशू आ सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा बनाना लिमिटेड क्वांटिटी में खाना है। आई होप यू लाइक माई वीडियो और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। सो टेक केयर गाइस, ईट हेल्दी, बी हेल्दी, बाय बाय।